परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आप सभी भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है कि आप इतना बहुमूल्य समय निकाल करके यहाँ आए। कितने भाई ऐसे हैं जो पहले दिन आए हैं, आज हाथ ऊपर करेंगे। अभी भाई ललन जी बता रहे थे आपको, बहुत सारे टेक्निक्स बता रहे थे कि साहब जीवन में हम कैसे सफल हो सकते हैं, हम गायत्री मंत्र करके सफल हो सकते हैं या ध्यान करके सफल हो सकते हैं या अपने जीवन में अच्छे विचारों को उतार करके सफल हो सकते हैं, ये बहुत सारी बातें बता रहे थे। लेकिन हमारे मन में वही बात है कि साहब सफल होने के लिए हमारे, अच्छा मेरी आवाज आ रही पीछे तक, माइक ले लिया जाएगा। सफिशियंट नहीं है,
अपने जीवन को शानदार बनाने के लिए आपको ये कोचिंग भी ज्वाइन करना बहुत जरूरी है, और जरूरी ही नहीं है, कहीं उससे ज्यादा जरूरी है कि अगर आप मान लेते हैं जीवन में सफल नहीं भी हुए तो भी अपने जीवन के मुकाम पे एक शानदार स्थिति पे जा सकते हैं। हम अपने भाइयों के बारे में बताएं कि जो भाई शांति में गए हुए थे, तो उनसे जब सुनने को मिला मुझे, जब उनसे हम बाद में पूछे कि साहब यहाँ आने के बाद आपको क्या समझना है, शांति में आने के बाद आपको क्या समझना है, तो उनका यही कहना था कि भैया ऐसा है कि हम तैयारी कर रहे हैं और हम खूब प्रयास करेंगे, इसमें कोई हम कसर नहीं छोड़ेंगे कि और अच्छे से हम तैयारी करेंगे, लेकिन भूतों ना भविष्य थे, अगर नहीं हुआ तो हम उस बक्सर के डीएम की तरह सुसाइड नहीं करेंगे। हमको यहाँ आने के बाद इतनी सारी चीजें बताई गई, इतनी सारी चीजें सिखाई गई कि अगर हमको नौकरी नहीं भी मिला तो मुझे ये बात समझ में आ गया कि हमारे अंदर जो क्षमता है, वो ताकत है कि हमारी नौकरी को कौन पूछे, हम तो पूरे गांव को रोजगार दे सकते हैं, पूरे जिला को रोजगार दे सकते हैं, इतनी हमें क्षमता है, इतनी हमें ताकत है। तो साहब वो कहां से आया? वो अच्छे विचार से आया। अगर वो विचार काश उस डीएम के पास होता तो आज वो ये काम नहीं कर सकता। देखिए साहब, बहुत सारे नियम भरे पड़े हैं हमारे देश में, हजारों नियम ऐड हो जाता है हर एक साल, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों होता है? अभी हम लोग बहुत बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, अभी हम लोग बहुत बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं बतरा सिनेमा में। तो जब हम लोगों के मन में ख्याल आया कि नहीं साहब, एक आदर्श आईएएस को बुलाया जाए जिसने अपने जीवन में कुछ किया है, तो ध्यान आया कि साहब बी चंद्रकला को बुलाया जाए। आप लोग नाम जानते हैं उनका, क्यों उनको बुलाने का हम लोगों का ये लगा? और आप देखेंगे आज तो बहुत बड़े बड़े नेताओं का उतना फॉलोअर नहीं है जितना उनका फॉलोअर है, करीब 60 लाख के आसपास फॉलोअर है फेसबुक में, आप लोगों को पता होगा, है ना? 60 लाख क्यों ऐसा है? ऐसा नहीं है कि वो मुखर्जी नगर में तैयारी करती थी और निकलते निकलते करोड़पति बन गई और वहां गई तो पूरे जिला को जो है सो कंगाल बना के रखते, इसलिए नहीं बुलाया जा रहा है। इसलिए बुलाया जा रहा है कि उन्होंने एक आदर्श स्थापित किया, एक आदर्श स्थापित किया है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप अच्छे व्यक्ति बनते हैं, आप शानदार व्यक्ति बनते हैं, आप महामानव बनते हैं, तो आप घाटे में नहीं रहेंगे। जो डीएम सुसाइड कर लिया उसके बारे में तो देख रहे हैं हम लोग, लेकिन जो नहीं किया है उसका हाल आप जानते हैं, उसका भी हाल बद से बदतर है। आप देखेंगे जाकर के तो कुछ तो न्यूज में आ जाता है और कुछ न्यूज में हम लोग नहीं देख पाते। जो बड़े बड़े मंत्री होते हैं, बड़े बड़े ये होते हैं, तो एक बार ऐसा हम नाम नहीं बताएंगे आपको कि हमारे नेता जी जो है एक बार किसी मंदिर में जा रहे थे, तो वो डीएसपी था, उसको देखे कि जल लेकर के जो है उसके पैर को धो रहा कि जा रहे हैं तो इनको दिक्कत ना। अब देखिए उनकी मन स्थिति क्या है कि साहब आप पढ़ लिख के जो है इतने बड़े पोस्ट पे गए, अपने महत्व को नहीं समझ रहे हैं और उसका पैर धो रहे हैं। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि हमारी हमारी जो मन स्थिति है अंदर से, हमारा हम जो है अपने महत्व को नहीं समझ रहे हैं। अगर आपको याद हो तो जब शांतिपुर में हम लोग गए थे तो एक भटका हुआ देवता मंदिर गए थे, याद होगा, तो वहां क्या लिखा हुआ था? सोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम अयम आत्म ब्रह्म, है ना? 4 या 5 कोटेशन था। तो कहने का मतलब यह है कि हम में वो क्षमताएं हैं, हम में वो ताकत है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी कर सकते हैं। और आज की स्थिति, आज की युवाओं की स्थिति क्या है कि वो अंदर से टूटा हुआ है, अंदर से फ्रस्ट्रेट है, अंदर से परेशान है, और उसका सोच इतना गिर गया है कि साहब पूछिए मत। आज का स्थिति इतना खराब है कि आज के युवा तैयारी करने के लिए भी आ गए, जब उसको फ्रस्ट्रेशन होता है कुछ दिखाई नहीं देता है तो कहता है कि जब 5-10 भाई बैठते हैं तो कहते हैं मूड फ्रेश करना है, मूड फ्रेश करने का कोई उपाय करते हैं, अब अंदर से तनाव में रहता है। अब बेचारा जो है रूम में उस लॉज में कसमा कस करके रह रहा है, बगल बगल एक तो पढ़ाई से परेशान है, घर से परेशान है, और ऊपर से जो है उसका जो रूममेट है वो घर रात जो है मोबाइल पे बात कर रहा है, जियो में लिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, पूरी रात जो है लगा पड़ा है चादर ओढ़ के। अब वो बेचारा और परेशान है, आप क्या बताएं। कल हम लोगों का मीटिंग था कुछ भाइयों का, कनॉट प्लेस सेंट्रल पार्क आपको घूमे ही होंगे, है कि नहीं? वो तो और तीर्थस्थल आपको क्या शांति मिलने, वो तीर्थस्थल बिना जाए रहिएगा नहीं, आप और जाते ही आप कहना के पड़ेगा, आपको तो कहने की जरूरत ही नहीं है, लोग जाते ही। वहां जो स्थिति खराब है, अब हम उस और
डिटेल में हम नहीं जाएंगे, आप लोग बेहतर जानते हैं। अब भाई क्या कर रहे हैं कि उस रूम में जो है रूममेट को देखकर फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि साहब हम भी बहुत दिन से प्रयास कर रहे थे, हमको तो कुछ हाथ लगाए हैं, उसके लिए भी परेशान है कि जो है ये जो है साहब सुबह सुबह बाइक लेते हैं और घूमने के लिए चले जाते हैं, हमको कुछ हाथ नहीं, राम मिल रहा है ना माया मिल रहा है, पता नहीं क्या करें, परेशान है अंदर से। तो भाइयों आज बताने की जरूरत है उन युवाओं को कि जितना महत्वपूर्ण आपका वो कोचिंग है उससे कहीं कम महत्वपूर्ण ये कोचिंग नहीं, उससे ज्यादा ही है, कम नहीं है। क्यों ऐसा है? ऐसा इसलिए है कि आप कंप्लीट कर जाइए, आप कंप्लीट मत करिए, फिर भी वो चीज बहुत जरूरी है कि अपने जो अंदर की शक्ति है, अपने अंदर का जो सिस्टम है, जब तक उसका सफाई उसको ठीक नहीं किया जाएगा तो हम अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते, हम अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते। आज हम सारे भाई जो है इस चीज के लिए परेशान है कि नहीं कुछ भी ऐसा टेक्निक बताइए कि हम जीवन में सफल हो जाए, है ना। देखिए साहब हमारे पास बहुत बड़ा तंत्र है, तंत्र मतलब टेक्नोलॉजी है ना, बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी है, लेकिन हम लोगों का दुर्भाग्य है कह सकते हैं, हम लोग अनफॉर्चुनेट हैं कि हम अपने टेक्नोलॉजी के बारे में जानते ही नहीं। हमारे पास वो तंत्र है उसका काश हमको यूज करने आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं और क्या अद्भुत कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है कि हमको किसी ने बताया नहीं। हमने जो आज तक देखा है वो क्या देखा है कि आप जब भी धर्म का बात आता है, जब भी मंदिर की बात आती है, जब भी आध्यात्म की बात आती है तो मेरे माइंड में क्या आता है? मेरे माइंड में दो चीज आता है। पहली चीज तो ये आती है कि ठीक है जब एग्जाम का समय आएगा तो मिलेंगे जाकर हनुमान जी से, है कि नहीं। जब एग्जाम का टाइम आता है तो पहले पता करते हैं, अरे मुखर्जी नगर में हनुमान मंदिर है क्या? तो बताएगा हाँ हाँ, एक जो है नेहरू विहार में पड़ता है कोने में, एक उधर पड़ता है, तो बोले ठीक है भाई। तो उसको जो है टारगेट किया शाम में कि कल एग्जाम है, अब नहीं मिलेंगे तो मामला बनेगा नहीं, इतने दिन से तो इग्नोर किए हुए थे, लेकिन अब चलते हैं, अब चल दिए हनुमान जी के मंदिर में शनिवार को, तो शनि भगवान का है तेल लेकर के जाते हैं और मंगलवार को लड्डू लेकर के हनुमान जी के पास पहुंचते हैं। अब देखिए साहब हम लोग जो कर रहे हैं उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि एक बोतल तेल ले लेते हैं और शनि भगवान को इतना तेल चढ़ाते हैं, इतना आपके सर पे तेल चढ़ाया जाए तो भाई बाल्टी का बाल्टी आपके सर पे तेल चढ़ाया जाए तो आप कैसा महसूस करेंगे, क्या बोलेंगे? खूब आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है, लेते जाओ बच्चों आशीर्वाद लेते जाओ, ऐसा होगा? कहेगा भागते भी नहीं, भागते हो यहाँ से, भगवान को मारे तेल चढ़ाए हुए हैं, पता नहीं क्या क्या किए हुए। हनुमान जी के पास पहुंच जाते हैं, हनुमान जी सब मंगलवार को एकदम पूरा जो है टीका उठा एकदम लगा के लाल लाल जो है वहां पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद जो है ले जाते हैं उनके पास कुछ प्रसाद, ले जाते हैं प्रसाद ले जाते हैं और ऊपर से जो है 11 रुपए दक्षिणा दे देते हैं कि देखिए हनुमान जी बात ऐसा है। अब आंख बंद हुआ नहीं कि हमारा लाइन लगना स्टार्ट लग गया, आप नोट डाउन करते जाइएगा, ऐसा नहीं कोई मिस हो जाए आपके यहाँ से। हमारा एक तो कल एग्जाम है उसका आप देख लीजिएगा। हनुमान जी बोले हम तो भाई कभी कोचिंग लिए नहीं, यूपीएससी का तैयारी किए नहीं, हमको ज्यादा आइडिया तो है नहीं इसके बारे में, लेकिन तुम कह रहे हो तो सुन लेते हैं, हमारा कल यूपीएससी का एग्जाम है वो देख लीजिएगा, गड़बड़ाए नहीं, हम भले पढ़े नहीं हो एक साल तक, हम पढ़े नहीं हो, हम जो है सो क्या कर रहे थे, हनुमान जी पूछे तुम कर क्या रहे थे, तो नहीं शाम में जो है ना हम लोग निकलते थे मूड फ्रेश करने के लिए बतरा में, पूछते थे भाइयों से भाई कहाँ जाते हो शाम में, जब बोलते हैं ना हम अपने भाइयों को बोलते हैं कि भाई आपके पास जो समय है, जैसे मान लीजिए आप थक गए पढ़ते पढ़ते तो थोड़ा अच्छा काम कर लीजिए, घंटा जाकर के अच्छे विचार साहित्य स्टॉल पर दे दीजिए, तो उनसे बातचीत होती है, इस ड्यूरेशन में हमको अंदर की बातें निकालते हैं उनसे, क्या क्या चल रहा है मन में, तो उनसे पूछते हैं कि अच्छा क्या मूड फ्रेश करते हैं आप बता, कभी नहीं भैया छोड़िए आपको क्या बताएं, कभी नहीं बताइए बताइए कोई बात नहीं है, आपके समस्या का समाधान मेरे पास है, कहते भैया किसी को बताइए, तो बताइए कोई बात नहीं, कहते भैया निकलते हैं ना शाम में तो सबका टी शर्ट पढ़ते हैं क्या क्या लिखा हुआ है उसके टी शर्ट, और टी शर्ट पढ़ पढ़ के कलेक्शन करते हैं, तब जाके हमारा मूड फ्रेश, पहले मूड फ्रेश हो जाता है पढ़ते हैं, तो कहने भैया जब घर पे जाते हैं तो वहीं ध्यान लगा रहता है कि काश जो है हमको भी एक मिल जाती तो काश को बहुत मजा आता, हमको भी एक गर्लफ्रेंड मिल जाती, ये क्या है अभी हम तैयारी करने के लिए आए हैं लेकिन हम कुछ और ही जो है काम स्टार्ट किए हुए हैं और चाहते हैं कि हम सफल हो जाए जीवन, तो संभव नहीं, वो संभव नहीं है, हम जो है कुछ और नहीं कर रहे हैं,
साल दर साल महीने दर महीने चलता चला जाता है तो जीवन में मिलता है। अच्छा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो कि बहुत सारे भाई आए हुए हैं और हम एक क्लास लेते हैं एक समझाते हैं भाइयों को कि जैसे कुछ भाई के मन में कंफ्यूजन रहता है वो कंफ्यूजन क्या रहता है कि अच्छा भैया ऐसा है कि हम ले तो ले यूपीएससी का तैयारी करने का टारगेट हम ले तो लिए एसएससी का हम सोच तो लिए कि हमको बिजनेस करना चाहिए हम सोच तो लिए ये जॉब करना चाहिए लेकिन हमारे लिए ये सही है या नहीं ये कैसे हमको समझना है ये समझना बहुत जरूरी है कि हम जो डिसीजन लिए हैं देखिए साहब हर एक के पास एक यूनिक चीज होता है लेकिन दिक्कत यह है कि हमको समझ ही नहीं आता है कि हमारा यूनिकनेस है क्या है ना हर एक व्यक्ति के पास एक यूनिक चीज होता है लेकिन हमको पता नहीं होता है कोई यूनिक चीज क्या होता है तो पहली बात तो है कि उसको समझने के लिए हमको अंदर की सफाई करनी पड़ेगी। अच्छा आप एक बात बताइए कि एक मिरर रख दिया जाए आपके सामने ठीक है और आपको बोला जाए कि एक बार क्या हुआ कभी कभी दुकान वगैरह में जाते हैं क्या होता है मिरर इतना साफ रहता है पता ही नहीं चलता है कि बाहर जाना है। एक बार ऐसे मोबाइल की दुकान में हम गए भाई साहब इतना मिरर साफ था कि हम लेफ्ट राइट करते करते आए सीधे मिरर में जाकर क्यों ना लगती क्योंकि इतना साफ था पता ही नहीं चल रहा था कि उस पार यही गेट है यही शीशा लगा हुआ क्यों ऐसा हुआ क्योंकि वो मिरर बहुत साफ था इतना क्लीन था कि हमको आगे का चीज दिखाई दे रहा है ना तो हम फ्यूचर का चीज सोच पाते हैं और डिसाइड कर पाते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है लेकिन हमारी स्थिति क्या है कि हमारे अंदर भी इतना गंदगी पड़ा पड़ा है इतना गंदगी है कि अगर उसकी सफाई नहीं करेंगे आप तो आपको पता नहीं चलेगा तो करना क्या है आपकी पावर ऑफ जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है वो